देश के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी के दो बेटे हैं। एक का नाम मुकेश अंबानी, दूसरे का नाम अनिल अंबानी। दोनों की किस्मत जुदा जुदा। जी हाँ, मुकेश अंबानी की किस्मत इतनी तेज कि जब दोनों के बीच व्यवसाय का बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के खाते में आई पेट्रोलियम इंडस्ट्री और अनिल अंबानी के खाते में आया रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा। कुल मिलाकर दोनों ने अपना बिजनेस का सफर एक साथ शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते अनिल अंबानी पूरी तरह से दिवालिया होते चले गए। पहले उनका रिलायंस कम्युनिकेशन का दिवाला निकला, वह लगातार घाटे में आता चला गया और अंततः स्थिति ऐसी बन गई कि उसे दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ा। बैंकों का 1,00,000 करोड़ से अधिक भी बकाया हो गया। इधर रिलायंस पावर ने भी दम तोड़ दिया और रिलायंस इंफ्रा के भी हाल बहुत बुरे हो गए। कुल मिलाकर यह पूरा सिलसिला चलता रहा और इसी बीच मुकेश अंबानी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। उनकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री इतनी अधिक आगे बढ़ी कि वे विश्व के जाने माने अरबपति खरबपति बन गए और धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस जियो में भी यानी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और देखते ही देखते रिलायंस जियो ने पूरे देश में क्रांति कर डाली। रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या लाखों में हो गई और रिलायंस कम्युनिकेशन धीरे धीरे दिवालिया होता चला गया। कुल मिलाकर इन दोनों भाइयों की कहानी में अब स्थिति ये बनी है कि कुछ दिनों पहले तो अनिल अंबानी के जेल जाने की नौबत आ गई थी और तब मुकेश अंबानी ने आगे बढ़कर बड़े भाई का फर्ज अदा किया और उन्हें जेल जाने से बचाया, लेकिन अब उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या मुकेश अंबानी अब उन्हें उनकी कंपनी को दिवालिया होने से भी बचाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।